हरे कृष्ण और राधे राधे फ्रेंड्स, नित कृषि क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम गोपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे। ये हमने रुमाल से बनाई है पोशाक, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हमने ये सुई धागे से बनाई है, बहुत ही प्यारी पोशाक बनी है। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने गोपाल जी की पोशाक पहना के दिखाई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये पोशाक हम 10 नंबर गोपाल जी के लिए बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ हमने गोपाल जी की पोशाक बनाने के लिए 2 रुमाल ले लिए इस तरह से। देखिए इधर भी 9.5 इंच से ज़्यादा है थोड़ा, और इधर भी 9.5 इंच से ज़्यादा है, तो सेम है। तो चलिए अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे इस तरह से, 1/7 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस साइड भी हम 1/7 इंच पे मार्क करेंगे, और ऊपर तक इस मार्क को हम मिला देते हैं इस तरह से, दोनों साइड इस तरह से। हमने इधर हमारा ये 2.5 इंच का कपड़ा बचा है, इसमें हम कैप बनाएंगे, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए अब इस साइड से भी इस तरह घुमाने के बाद कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है, अब साइड कर दिया। अब हम इसके लिए कैप बनाने के फैब्रिक कट करेंगे। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है इस तरह से, 4 इंच का कपड़ा कट करेंगे। तो हम कर लेते हैं, देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इसमें हमें थोड़ा सा जॉइन करना पड़ेगा, तो हम इस तरह से ये वाली स्ट्रिप कट की है, इस तरह से रखेंगे इसे और हम स्टिच कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने ली है लगभग 3.5 इंच, हमें ये 3 इंच 3.25 इंच का कैप रेडी करना है। चलिए हम इसे साइड करते हैं। तो देखिए अब हम एक पीस ले लेते हैं। तो इस तरह से इसे कॉर्नर से फोल्ड करेंगे, इसे देखेंगे ये हमने 4.5 इंच रखा है ऊपर। इसे सुई धागे की हेल्प से इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। हम थोड़ा सा स्टिच करेंगे, देखिए इस तरह हमने स्टिच कर लिया इसे, देखिए स्टिच हो गई। अब हम सेम इसी तरह से दूसरे वाले पीस में भी करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे, और हम इस वाले पीस को इसके ऊपर रख के इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया, और सेम इस तरह से हमें भी इसे भी स्टिच कर देंगे। देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया इस तरह से। अब हम दोनों को इन पीस को, एक पीस को सीधा रखेंगे, एक को उल्टा रखेंगे, इस तरह से रख के इसके साइड की सिलाई लगाएंगे। तो ये भी हम सुई धागे से ही करना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे भी स्टिच कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में सिल जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनी थी, बहुत ही कम समय में बन जाएगी। तो इस तरह से हम इसे भी स्टिच कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से सेट कर, देखिए फ्रेंड इसे हमने स्टिच कर लिया इस तरह से, धागा कट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए और अच्छे से सिली गई है। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी स्टिच करेंगे। देखिए हमने इसे भी स्टिच कर लिया, देखिए हमारी स्टिच हो गई। अब हम इसके लिए कैप रेडी करते हैं। तो कैप सेम इस तरह से रखेंगे, जो फैब्रिक हमें इसमें ज्वाइन करना है। तो इस तरह से इसे भी स्टिच करके ज्वाइन कर लेते हैं, सेम इस तरह से स्टिच करना है। देखिए हमने इसे भी स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे, और नीचे से ऊपर तक सिलाई लगाएंगे। तो इसे भी स्टिच कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम ऊपर की साइड में हल्की सी गोलाई देते हुए स्टिच करेंगे, बाद में इस फैब्रिक को कट कर देंगे। देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया, धागा कट कर लेते हैं, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे हम कट कर देते हैं। हल्की सी कटिंग हम नीचे की साइड भी दी थी। देखिए स्टिच हो गया है, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसमें एक सेंटर में इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम कैप का सेंटर, और ये हमने जो मार्क किया है इसको सेंटर से मिला के, और हम 1/2 इंच कैप आगे वाले पार्ट में एक्स्ट्रा करते हुए स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए अब हम इसे यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनी है। तो चलिए हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया इसे। इस साइड भी हम 1/2 इंच आगे वाले पार्ट में स्टिच करेंगे। देखिए स्टिच हो गया, धागा कट कर दिया, इस तरह से खींच के सेट कर देंगे। देखिए कितनी प्यारी पोशाक बनी है, बहुत ही खूबसूरत पोशाक है, पीछे से भी देखने में अच्छी लग रही है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।